तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द एक्सप्लोरर फ्रॉम J&K। भाई मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ जम्मू का रहने वाला, है ना, जैसे कि आप सबको पता है। तो आज हूँ मैं फिलहाल अपने घर पे, सुबह के 6 बज चुके हैं, उठ चुका हूँ मैं, अभी ब्रश व्रश करा है, फ्रेश वगैरह हुआ हूँ। तो भाई साहब अभी आप देख पा रहे होंगे धरती पे सूर्यदेव जस्ट निकले हैं सामने की सामने, ये रही मेरी गाय माता सामने। तो यहाँ पे गाय को चारा वगैरह हमने डाल दिया है, अभी ये मैं गोबर फेंक के आऊँगा, तो इसके बाद हम काम शुरू करेंगे घर के हल्के फुल्के जो रहते हैं। पापा सामने देख पा रहे होंगे आप, पापा ने कर दिया जो ये बोरे भरे भरे हैं, इसको उठा के अब हम अंदर लगाएंगे। पापा जी राम राम। और ये रहा गाय माता का घास, और ये पल्लियाँ वल्लियाँ हमने इसके ऊपर इसलिए दी थी क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम हो रखा था, और मैं गया था दरअसल नानी जी के घर। तो ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये गाय का स्टॉक है खाने का 2-4-6 महीने का। तो अभी इसको उठा के इस शेड के अंदर हम शिफ्ट करेंगे सुबह सुबह। तो चलो गाइस कर लेते हैं काम धंधा, फिर मिलते हैं आपसे। और ऐसा कुछ नज़ारा हमारे यहाँ का सुबह सुबह, बहुत ही अल्टीमेट। मैं बब्बू की मम्मी हूँ, दोनों बाप बेटे ने कितना काम कर दिया, पूरी अंदर लगा दी, बोरे भरे हुए, देखो देखो कैसे कर रहे हैं। एक ऊपर आना गया, एक एक दो रह गया। तो दोस्तों मैंने और पापा ने आधा घंटा भी नहीं लगाया, और सारा जो ये बोरे बाहर पड़े हुए थे गाय माता का चारा, ये हमने उठा के स्टॉक अंदर लगा दिया। तो पापा अब कितनी देर, कितने टाइम का ये स्टॉक इकट्ठा हो गया? एक साल का। हाँ। तो दोस्तों एक साल गाय माता का स्टॉक हमारे पास रह गया, अब दिक्कत कोई नहीं है, है ना। बाकी हरा घास तो हम डालते रहेंगे साथ में मिक्स करके, क्योंकि बारिश आ जाती है सारा खराब हो जाता, तो लग गया तो सही है, टाइम से लग गया। तो दोस्तों 7:30 हो चुके हैं, तुड़ी वगैरह हमने लगा दिया, इसके बाद हम जा रहे हैं घास काट रहे हैं गाय माता के लिए। तो चलते हैं खेत में गाय माता के लिए घास काट लेते हैं, और हमारे बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं, इनको भी स्कूल में छोड़ देते हैं बस में, तो फिर निकलते हैं खेत में, चलते हैं जरा। चलो जी, नानी जी तो चले गए पर मम्मी जी अभी मेरे को दूध दे रही हैं सुबह सुबह। 7:30 का टाइम हो चुका है, अभी घास काटने से पहले थोड़ा दूध पी लेते हैं। राम राम माता जी। राम राम। माता जी ने दूध लाया मेरे लिए, तो एनीवे गर्म है अभी, थोड़ा ठंडा कर लेता हूँ फिर पी लेता हूँ, फिर जाता हूँ मैं खेत वाले साइड को। रोड पे पापा जी है अभी, और मैं आया हूँ चढ़ाने, ये आ चुकी है सामने इनकी गाड़ी, तो इसमें ये चले जाएंगे, फिर हम घास काटेंगे जरा। कल जैसे कि थोड़ी बारिश हुई थी, आज सुबह सुबह बहुत तगड़ी धूप निकली है, 7:30 बजे इतनी ज़बरदस्त धूप आ चुकी है, और मैं और पापा आ चुके हैं घास काट रहे हैं। पापा ये वाला काट रहे हैं क्या आज? तो ये रास्ते वाला, वैसे उधर से हमने काटा है, ये रास्ता है यहाँ से बीच में अंकल के घर जाने को, तो ये ख़राब हो जाता है ना जैसे, तो आज हम ये वाला काट लेते हैं। तो एनीवे काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं नहा धो के एकदम फ्रेश होके अंदर आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ मैंने देखा श्रुति घर पे पोछे लगा रही है अंदर, बढ़िया फ्लोर चमका रही है। और जी की हाल चाल? जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या पोछे पोछे चल रहे हैं? पोछे पोछे हाँ। हैं? हाँ। कैसे लगा रहे हो? ऐसे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और मम्मी जी सुबह उठी हुई थी, मम्मी को दर्द हो रही है तो आराम से थोड़ा लेटी हुई हैं। तो खत्म कर लेते हैं काम धंधे, फिर देखते हैं खाने पीने का क्या सिस्टम है। तो जय श्री राम सभी को, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के जो है 9 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं सारा काम वगैरह करके रेडी हो गई हूँ, अभी बस हम लोगों को खाना वगैरह खाना है, तो अभी मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। चलिए चलते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मम्मी को दर्द हो रही है, थोड़ी मेडिसिन दे रहा हूँ। अच्छा, पहले तो खाना खाएंगी ना मम्मी? हाँ, अभी लाना खाना निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है, तो मैं रोटी बनाती हूँ ना, आप इतने ठीक है ठीक है। तो दोस्तों 9:30 हुए हैं सुबह के, सुबह से लाइट नहीं थी बट अभी लाइट आई है, मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ,
एकदम हम फ्री हैं। श्रुति बना रही है खाना, मम्मी को खाना खिला के दवाई दे रही है। अभी आया हूँ मैं यहाँ पे गाय माता को थोड़ा पानी पिलाता हूँ और ये जगह साफ कर लेता हूँ पूरी, और इनको हल्का सा नहला देता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों एकदम मैंने गाय माता को नहला भी दिया है और ये भी पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे मोटर मैंने चालू करी है, इनको पानी भी पिला दिया है। अभी ऊपर वाली टंकी भी भर लेते हैं पानी की, फिर देखते हैं, फिर खाना पीना खा लेते हैं हम। बन गया होगा खाना भी, श्रुति बना रही है कब से, तो ऐसा कुछ माहौल हो रखा है यहाँ पर एकदम। आज ये दोनों बहनें ये वाला खा रही हैं घास, तो हरा भी इन्होंने सुबह खाया है। तो ठीक है चलते हैं अभी घरवाली साइड खा लेते हैं खाना वाना। तो दोस्तों 10 बजने में 10 मिनट कम है और हमारा खाना आ चुका है। श्रुति ने बनाया आज शिमला मिर्च आलू की सब्जी, हरी चटनी, रोटी, राइस, फ्राइड राइस एंड अपने लिए क्या बनाया, रायता है। इसमें क्या होता है, लहसुन मिर्च और जीरा है। लहसुन मिर्च और जीरा और ये बूंदी हो गई, ये डाले भाई। मैं पीता हूँ घर की लस्सी सिंपल तरीके से, तो मैं इसे पिया हूँ। तो एनीवे भूख भी लगी है भाई, सुबह से उठे हुए हैं, तो खा पी लेते हैं फिर मिलते हैं। तो दोस्तों दिन के 1 बज चुके हैं, मैं दरअसल आया हूँ मेरे घर के पास जो जंगल है वहां पे, थोड़ी ठंडी वाइब लेने, एकदम चिल्ड वाइब। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अच्छी खासी धूप थी, वैसे रूम में एसी लगा बट एसी पे मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा रहना, तो दिन में सो गया तो फिर रात को नींद नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जंगल में घूम ही आते हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे धूप यहाँ छाया, धूप छाया और यहाँ रोड के पास ही मैं, ये फॉरेस्ट की लैंड है दरअसल, जितना भी ये बहुत बड़ी नर्सरी है एक, तो यहाँ पे थोड़ा बैठा हूँ चिल कर रहा हूँ। एक दोस्त आ रहा मेरा, उसका वेट कर रहा हूँ, थोड़ा काम है मेरे को उससे, तो इसके बाद मैं चलूँगा फिर से घर, रेस्ट करूँगा, अभी शाम को मिलूँगा डायरेक्ट आपको। तो 2:30 बज चुके हैं दिन के और मेरा खाना आ चुका है। आज घर पे बनी है मिक्स दाल, दही और चावल, तो भाई खा लेते हैं फिर सो जाते हैं थोड़ी देर, फिर शाम को मिलते हैं, नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठा था। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और अभी जस्ट मैं उठा हूँ। दिन में मैं सोया था 2-3 घंटे क्योंकि दिन में होती है गर्मी, तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन में तो बाहर निकलने का मन नहीं करता सीधी सी बात, ना कोई काम धंधा होता है। तो अभी हमारा प्लान है, मैं, श्रुति, पापा और हमारे जो भाई के बच्चे हैं वो सारे, उनका प्लान है खेत में जाने का, क्योंकि बच्चों ने नहाना वहाना है वहाँ पे मोटर पे, और मेरे को थोड़ा सा काम है, मेरे को 2 खेतों में से एक नाली निकालनी है क्योंकि वहाँ पे तो चावल की खेती होने वाली है, तो उसके बीज लगाना है, तो उसके लिए खेत को पानी लगाने के लिए एक नाली निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं खेत वाली साइड और दिखाते हैं आपको खेत का नज़ारा गाइस, तो जुड़े रहे लास्ट तक ब्लॉग में। सो वीडियो अच्छी लगती हो इस चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके और कमेंट भी कर दिया करो, है ना। हेलो गाइस, आज हम आ रहे हैं खेत पर नहाने के लिए, तो चाचू ये गाड़ी मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पापा ने घास वगैरह काट दिया, ये रहा कसी हथियार जिससे मैं वो नाली निकालूंगा, गाड़ी हमने मोड़ के लगा दी है, मम्मी वगैरह सबको ले जा रहा हूँ मैं, तो ये रही अपनी गाड़ी, बच्चे भी बैठ गए हैं, तो चलते हैं गाइस। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 6:50, अभी पहुँच गए हम जस्ट खेत में, गाड़ी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पार कर दी है मैंने, और सनसेट व्यू भाई साहब क्या जबरदस्त आ रहा है। और यहाँ पे अभी ये लोग नहाएंगे, पानी अगर मोटर चलेगी तो मेरे को उस इस खेत में एक नाली निकालनी है जैसे कि वहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस खेत में लगानी है हमें बासमती की पनीरी, पनीरी मीन्स बासमती चावल का बीज, और यहाँ पे पानी के लिए क्योंकि इस खेत में हमने लगाई है मक्की, है ना, मक्की की फसल लगा दी है, 4-5 दिन पहले बीज लगाया हुआ है मक्की का, आपको मैं चेकआउट करवा सकता हूँ, ये देखो, ये देखो बीज लगा हुआ है। तो इसके बीज अगर अभी अभी नाली निकालूंगा तो बाद में पानी लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर नाली बाद में नाली नहीं निकलेगी क्योंकि घास बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो एनीवे देरी ना करते हुए निकालते हैं नाली और करते हैं काम। तो सारे बच्चे नहाने की फिराक में हैं,
तो अभी मोटर को करो शुरू। 1 2 3 यस। अभी गाइस इसमें मिट्टी वाला पानी निकल रहा है, थोड़ी देर में पानी साफ निकल जाएगा एकदम। तो यार लक्की भी हमारा ये भी नहाएगा। पानी कैसा है? ठंडा गर्म? ये बहुत चिल्ड पानी है दोस्तों। अंशी कैसी है? अंशी भी यहाँ सैर करती करती पहुंच गई। इसको पता है प्रियंशी और चाची और अब। अरे वाह रे। तो यहाँ पापा जी बार बार चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो जुगाड़ है पहरेदार बोलते हैं इसको, ये खराब हो गया था। ये कल ही आज ही मतलब सुबह ठीक करवाया पापा ने, तो अभी अच्छे से चल रही है मोटर। उस साइड हमने पानी की जो मतलब पानी का बहाव है वो बंद कर दिया है वहाँ पे बोरू रख के, क्योंकि हमें फिलहाल उस साइड पानी नहीं चाहिए। पानी अभी इधर को निकाला हुआ है हमने क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे नहाने के लिए, तो इसलिए। तो चलो मैं भी कर लेता हूँ अपना काम। भाई चाचू जी यहाँ नाली निकाल रहे हैं। भाई यहाँ पे पोपट हो गया, ये बच्चे नहा रहे थे, इनकी लाइट चली गई भाई साहब, और हम निकाल रहे हैं नाली। थोड़ी सी निकली है अभी, लक्की आया मेरे को हेल्प करवाने। मतलब इतनी चौड़ी निकालनी है, इतनी चौड़ी अभी तो शुरुआत हुई है, खैर वहाँ तक निकालनी है। और भाई साहब सनसेट देखो जबरदस्त। क्या हुआ? लाइट चली गई। हैं? लाइट चली गई। लाइट चली गई? नहा लिया तुम लोगों ने? नहीं। फिर ये देखो ना रेत। तो रेत मैं बोल रहा था ना, पानी तो मैं बोल रहा था गाइस इनको कि लाइट जा सकती है, नहा लो। अब तू नहा लिया? घर जाके करना पड़ेगा। घर जाके नहा लेना है ना। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा ये कचरा बचरा नहर में आ चुका है, पापा इसको साफ कर रहे हैं, बाद में इसको आग जला देंगे, तब तक हम नाली निकाल लेते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ नाली हमने निकाल दिया, ये देखो यहाँ से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक, और बस थोड़ी सी और निकालनी है ये यहाँ तक बाउंड्री यहाँ तक, क्योंकि इस खेत के आगे चावल की जो पनीरी है, चावल का बीज लगाया जाएगा इस खेत में, तो फिर जाके बासमती चावल की खेती होगी। 2 महीने के बाद, 1.5-2 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो वेस्टेज है गेहूँ का वो हमने जला दिया है अभी, ये सारे अभी नहा धो के, खैर लाइट चली गई थी बीच में, तो अभी सारे घर की ओर निकल रहे हैं, तो करते काम खत्म चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों नाली का काम खत्म हुआ, यहाँ से लेके वहाँ तक नाली निकाल दी है। तो एनीवे चलते हैं अब घर वाली साइड, अंधेरा भी होने वाला है, चलते हैं कुछ खाना पीना बनाते हैं। तो दोस्तों 8:30 हो चुके हैं रात के, खाने का टाइम हो चुका है हमारे। ये घर पे दो दालें बनी है, जैसे ये दाल है ये दाल है। यहाँ पे श्रुति बना रही है रोटी, और क्या कर रही है साथ में? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस कहाँ रखे? वो राइस देखे थे मैंने अभी, अच्छा उधर रखे। तो गाइस इसमें फ्राइड राइस होंगे। तो गाइस 9 बज चुके हैं रात के, और हमारा खाना आ चुका है, दाल है, रोटी है और फ्राइड राइस है, और श्रुति ने बनाया बहुत मेहनत से, है ना? क्या बोलना चाह रही है? कुछ नहीं, बस भूख लग रही है बहुत ज्यादा। चलो तो ठीक है दोस्तों अभी खा लेते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करा करें। तो बाय बाय।